नमस्कार। जब भी हम आते हैं तथ्यों के साथ आते हैं। कुछ दिन पहले हमने कुछ मीडिया हाउसेस को चेतावनी दी थी कि जिन बच्चों को भी आप रिपोर्टर नियुक्त करते हो उनकी सैलरी दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी दिन रात धूम में बाहर खड़े रहते हैं, दिन रात खबरें जनता तक पल पल पहुंचाते हैं, पर आपको शर्म नहीं आती, आप उनकी सैलरी मारकर रह जाते हो। उसके बाद कुछ असर देखने को मिला, पर अब जो हम खबर लेकर आए हैं, जो तथ्यों के साथ आए हैं, कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्टर को हाई करते हैं और रिपोर्टर्स भी उन्हें चाहिए लड़कियां, और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि अगर आप कंप्रोमाइज करेंगी मालिक के साथ तो आपको काम भी मिलेगा और दिन में यानी कुछ ही पलों में आपकी काया भी पलट जाएगी, आपका पूरा काया ही पलट जाएगी, यानी आप पहचान में नहीं आएंगे। पर हाँ, ये भी कहेंगे कि हमारे पास कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, अगर हम जिस दिन वो सच दिखाएंगे ना, सच में कहेंगे, आपको मुंह छुपाने के लिए खुद के लिए रुमाल नहीं मिलेगा, शर्म कीजिएगा। उन बहन बेटियों को भी कहेंगे अपनी गरिमा को कायम रखेगा। मीडिया जर्नलिज्म एक प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन है, उसे बदनाम करने का प्रयास मत कीजिएगा। उसमें हम भी आते हैं और भी हमारी पूरी फ्रेटर्निटी आती है, और कोई भी अगर इस तरह के साथ उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया करेगा तो हम जरूर एक्सपोज करेंगे। और जो लड़की कहेगी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, उसे काम नहीं मिलता जी, ये इन्होंने धंधे बनाए हुए हैं, ये मीडिया हाउसेस जो खोल के कुछ लोगों की बात करें, ये इसलिए बैठ रहे हैं कि नई नई बच्चियों को एक्सप्लॉइट करें, और जो बच्ची उनकी बात मान लेगी, हमारे सामने उदाहरण भी है, हम अपने मुख बिंदु से कुछ नहीं कहेंगे, पर जिस दिन आएंगे ना खुलासा करके उन मीडिया हाउसेस के लिए, आपको मुंह छुपाने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा, बता देती हूं। और सच में सच कह रहे हैं, और जब भी हम आते हैं तथ्यों के साथ आते हैं, और ऐसा हुआ भी है, और अपनी ये जरूर सोचिएगा, दूसरों की बहन, और बीच में कुछ लोग दलाली करते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दे, उन्हीं बहन बेटियों को कहते हैं जो मीडिया कर्मी है रिपोर्टर, उन्हें कहते हैं आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा। अरे आपके घर में जिस माँ ने पैदा किया वो औरत नहीं है, जिस जो बहन आपको राखी बांधती है वो क्या औरत नहीं है? कल को आपकी शादी होगी, आपकी बच्ची आगे बेटी होगी, क्या उसके लिए भी आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे? शर्म आती है आप जैसे लोगों के ऊपर। मत करिए इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम, और अपनी बहन बेटियों कहेंगी चंद पैसों के लिए, चंद अपने स्टाइल को चेंज करने के लिए, मत ऐसा कीजिएगा, मत अपनी गरिमा को दांव पर लगाइए, मत सबकी औरत जात की बदनामी कीजिएगा, महिलाओं की बदनामी कीजिएगा। तो आने वाले समय में जरूर एक्सपोज करेंगे ऐसे मीडिया हाउसेस को जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस खोले तो हैं सिर्फ दो नंबर के काम के लिए, तो यह चेतावनी है उन लोगों के लिए, पूरे तथ्यों के साथ सामने आएंगे अगर आप नहीं सुधरे तो। धन्यवाद।